बिहार के समस्तीपुर जिला के नगर परिषद ताजपुर के भेरोखरा में माँ काली का एक ऐसा अनोखा मंदिर जो चारों तरफ शमशान से घिरा पड़ा है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य, जानेंगे एक ऐसे पुजारी से जो पिछले चार पीढ़ी से माता की सेवा में लीन है। ये करीब करीब जब से ये बस्ती हुआ होगा जब से ही मंदिर है माता। बताया जाता है कि कई सौ साल पुराना है या हजारों साल पुराना है? लाखों बरस पुराना होगा। अच्छा, पुरनका सब जो है वो में पीपल के पेड़ जैसा देख रहे हैं, ये जितना बुढ़वाया सब पीपल के पेड़ बोला कि ऐसा ही है। अच्छा, तो ये मंदिर बनाए कौन है? मंदिर को पहले शाम टट्टी का मट्टी का तो ईंटा जोड़ करके गिलावा हो तो ऐसे मंदिर बना खपरे का चंदा फंदा होकर। तो निर्माण कौन कराए अभी मंदिर का, जो जितना भी काम काज हुआ है वो सब? का बाद में छत हुआ था चंदे से। अच्छा, गुम्बज बनाए थे जयशंकर के बाद। गुम्बज कितना फीट है? नापल तो अच्छा, मनकामना से नहीं ना, कोई अपना श्रद्धा से मतलब किए हैं? किसी का मनकामना था गुंबज बनाना या इसी तरह श्रद्धा से अपना बनाए सब कि मंदिर का सिर्फ निर्माण करना है? अब यज्ञशाला भी तैयार हुआ है 2007 या 8 में जो है सठचंडी यज्ञ यहाँ पे हुआ था। अच्छा, जो गांव के ही सम्मानित व्यक्ति राधे श्याम तिवारी ने किया था और उनके मतलब यज्ञ के दौरान जो है ये बनाया गया था यज्ञशाला। अच्छा, और बात बाकी जैसे जैसे लोगों का इस गांव के आदमी का मनोकामना पूर्ण होते गया, लोग यहाँ जो है तो अपना अपना मंदिर का डेवलपमेंट के लिए जो है अपना अपना श्रद्धा से लोग किए हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ जो है सो मंदिर में बलि वगैरह जैसे होता है काली माँ को चढ़ाया जाता है तो वो सब भी यहाँ परम्परा है क्या? हाँ, बहुत ये पुरानी परम्परा है। अष्टमी के दिन जो है सो यहाँ अष्टमी के दिन जो है यहाँ बलि प्रथा होता है। अच्छा, बलि पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद और क्या क्या होता है इस मंदिर में? ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ जो है सो मेला वगैरह नहीं लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण? यहाँ अलग से कोई हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं जो मूर्ति पूजा अलग से बैठा के किया जाता है जब से हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ जो है सो नवरात्रा के दौरान अष्टमी के दिन यहाँ महा आरती होता है, 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है माता को और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पटना से, वहाँ जहानाबाद कहाँ मतलब पूरा ऑल इंडिया से यहाँ आते हैं। हम लोग को पता भी नहीं रहता है, जब पूछते हैं जो मतलब कहाँ से आ रहे हैं कैसे आना हुआ तो बोलते हैं जो कभी जा रहे थे इसमें और मतलब माता का आशीर्वाद मिला, कुछ मांगे और पूरा हो गया तो फिर यहाँ। ईटा का भट्ठा नहीं था उस समय, ब्रह्मा के एगो दारिता टूटा सा शीश खुर्शीद के बाबा जो है वो कहे कि डाक दे दीजिए हम ईटा का मंदिर में ईटा देंगे। वह गिलावा बहुत दिन हजारों लाखों बरस का पहले का सर्वे के आदमी है ना। तो यहाँ पर पूजा पाठ कौन कराते हैं? हम ही थे लेकिन हम न सकते थे। तो अभी कौन रह रहे हैं? अब कोई अच्छी नहीं है, इसको हुआ कराते हैं अपने यहाँ पे जो भी काम होता है जो भी मतलब पूजा पाठ होता है वो लोग करते हैं अपना, जिसको श्रद्धा हुआ वो लोग रहते हैं अपना साफ सफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो मंदिर पहले बसा हुआ था या फिर शमशान घाट था? शमशान घाट पहले था या मंदिर था? चारों तरफ शमशान था। हाँ, अब तो शमशान इधर हो गया चारों तरफ। तो ये पहले से था या नहीं? सब पहले, लेकिन शमशान पहले से है पीछे, मतलब मंदिर शमशान घाट पहले से देख रहे हैं। बाबा आपका क्या नाम हो गया? बीज किशोर तिवारी। कितना उम्र हो गया आपका? कहता कि 80-82 होगा। 80-82 साल के हो गए हैं। यहाँ पर एक गड्ढा था, हम लोग को जमीन
हमरे है। अच्छा नाना का। हाँ ये सब उनका भाई गुतिया का। हाँ इधर वैसे पांडे लोग का। अच्छा इस मंदिर के बारे में सुनते हैं कि कोई महामारी ऐसा फैला था। हाँ। इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? वो एक महामारी फैला था तो बाबूजी और कहते थे हमको जन्म के पहले एक दत्तापुर के पंडित आया तो वो पिंडी बनाया उधर में वही पर से प्रसादी लोग नहीं खाते। अच्छा पिंडी पर से प्रसादी नहीं खाया जाता है ना उतार करके चिड़े चुनने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है। तो वो मछली बनाते थे ऐसे को फेंकते थे क्या चीज लेकर के बाबू जी और कहते थे कि भाग जाता था ऊपर से लोग लेता था। अच्छा वही पिंडी बने तो महामारी ऐसे रुकी है। महामारी क्या चीज़ का फैला था इसे कुछ पता है? पिंडी कहता था कि कोरिया हो जाता था। हाँ आदमी मरता था एगो के ले गए फिर दूसरा लाश रहता था पर पांच वो यहाँ एगो को दफन करता था फिर वापस आता था तो देखता था कि हाँ पशु यहाँ पड़ा हुआ। ऐसा लोगों का मानना है कि भक्त अगर सच्चे दिल से श्रद्धा लेकर माता के पास आते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अब चलिए हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं माता के दर्शन कराते हैं। हाँ तो अब हम जो है सो माता के गर्भगृह में आ चुके हैं और आपको माता के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माँ काली का ही जो है सो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इससे अधिक अगर जानकारी है इस मंदिर के बारे में तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जय माता दी।